नमस्कार दोस्तों, मैं संजय समीर चौपाल समाज टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का प्रमुख न्यूज है, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मरवन प्रखंड में मोहम्मद गुलाब को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। आज प्रदर्शनकारी शिक्षक महासंघ के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला के मरवन प्रखंड में बैठक हुई और उस बैठक में मोहम्मद गुलाब को अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही साथ विवेक कुमार को महासचिव, सुधाकर झा को संयोजक, रवि शर्मा को वरीय सचिव, सुंदरलाल सुमन जी को उपाध्यक्ष, तौसीफ अहमद को उपाध्यक्ष, नरेश कुमार को उप सचिव, मोहम्मद अलाउद्दीन को सचिव, जान रिजवी को प्रखंड प्रवक्ता, मोहम्मद अवैध को संगठन प्रभारी, अंजनी कुमारी को महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष और जिला सचिव के पद पर अभिषेक कुमार को नियुक्त किया गया। इसके आशय में अखिलेश कुमार सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र जारी किया। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक श्री प्रणय कुमार जी के साथ साथ विजय कुमार परिवर्तनकारी सह संयोजक और मुजफ्फरपुर जिला के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह, महासचिव मोहम्मद असलम के साथ साथ जमील विद्रोही प्रधान कुमार सिंह, अशोक सिंह, अब्दुल कुदुस, मोहम्मद असलम, अकील अहमद के साथ साथ पूरे प्रखंड के शिक्षक मौजूद रहे। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक श्री प्रणय कुमार ने जानकारी दी कि संघ का केस जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहां सुनवाई चल रही है। साथ ही साथ प्रखंडों में भी हम लोगों को मजबूती स्थिति में रहने के लिए प्रखंड स्तर पर भी हम लोगों को कार्य करना होगा और उन्होंने प्रखंड कमेटी को मुबारकबाद देते हुए उन्हें आगे गुणोत्तर कार्य विकास करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मोहम्मद गुलाब ने अपनी बातों को रखें, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या भविष्य की रणनीति है, उनके माध्यम से ही जानते हैं। जी, सबसे पहले विभिन्न प्रखंड से आए हुए हमारे साथी शिक्षक और महासंघ के पदाधिकारीगण का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मरवन प्रखंड कमेटी का जो आज गठन किया गया है, इसका होना अत्यंत जरूरी था। प्रखंड के अंतर्गत काफ़ी धांधली हो रही थी, हमारे शिक्षक साथियों का काफ़ी शोषण किया जा रहा था, जिसमें शिक्षक साथी भी शामिल हैं, सहयोग न कर शोषित कर रहे थे शिक्षकों को, जिसका मैं पूरी तरह से विरोध करूंगा और अपने शिक्षक साथियों का सहयोग करूंगा। मरवन प्रखंड में अधिकारियों के द्वारा बार बार समंजन किया जाता है, इसका क्या निराकरण करेंगे आप? इसके लिए सर्वप्रथम मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अल्टीमेटम दूंगा, सूचित करूंगा। अगर हमारी बात बन जाती है तो फिर नियमता जो कार्य किया जाना है पदाधिकारी द्वारा करेंगे, अन्यथा की स्थिति में मैं उसके लिए अल्टीमेटम देने के पश्चात अनशन पर बैठूंगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की ओर से हार्दिक बधाई, अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई गुलाब भाई, आपका विचार जानकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई और मैं आशा करता हूं कि आपके परिवार में मरवण प्रखंड में परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ विस्तार करेगा। धन्यवाद।